मेरे परिवारजनों, डाली बाई की इस पावन धरा, डाली बाई की इस पावन धरा पर माता बहनों के मान सम्मान के लिए जान की बाजी लगा दी जाती है। लेकिन ऐसे राजस्थान को कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में सबसे आगे ला दिया है। हमारी बहन बेटियों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। यहां मासूम बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस विधायकों के रिश्तेदारों पर आरोप लगते हैं, कांग्रेस विधायक महिलाओं के खिलाफ खुल करके बयानबाजी करते हैं। जब मुख्यमंत्री ऐसे हो जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को फर्जी बता दे, तो अत्याचारियों के हौसले बुलंद ही हो जाते हैं। जब कांग्रेस के मंत्री विधानसभा में राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताकर महिला अपराध की पैरवी करे, तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो ही जाते हैं। आपने राजस्थान की मर्दानगी का, राजस्थान की वीरता का, नारी सम्मान के लिए सर कटवा देने वाले मेरे राजस्थान के वीरों का अपमान किया है। आपने अपमान किया है। क्या ये अपमान सहेंगे आप? कोई मर्द ऐसा अपमान सहेगा क्या? क्या मर्द माताओं की रक्षा करता है कि नहीं करता है? मर्द माताओं की रक्षा करता है कि नहीं करता है? क्या कोई मर्द मर्द इसलिए कहलाता है कि किसी मां बहन की बेइज्जती करे? ये पाप राजस्थान की धरती पर हो रहा है, और ऐसे लोगों को सम्मान में, बोनस में टिकट भी दे दी जाती है। कोई परवाह नहीं है इनको। और इसलिए पूरा राजस्थान कह रहा है, बहनों बेटियों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, बहनों बेटियों का अपमान, बहनों बेटियों का अपमान, बहनों बेटियों का अपमान। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने बहनों बेटियों के सम्मान के साथ साथ इस वीर धरा के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। बीते 5 वर्षों में आप लोग राजस्थान में कोई भी तीज त्योहार शांति से नहीं मना पा रहे। कभी दंगे, कभी पत्थरबाजी, कभी कर्फ्यू, कांग्रेस के 5 साल की यही तस्वीर रही है। दंगों के कारण, बार बार लगते कर्फ्यू के कारण सबका नुकसान होता है। जब अपराध बढ़ता है तो गरीब मजदूर की दिहाड़ी नहीं लग पाती। जब अपराध बढ़ता है तो व्यापारियों दुकानदारियों का काम रुक जाता है, दुकानें लूट ली जाती है, आग लगा दी जाती है। इसलिए कांग्रेस को यहां सरकार से हटाना बहुत जरूरी है। साथियों,
यहां के वीर वीर कल्ला रायम तोलोत, कल्ला रायम लोत की वीरता के किस्से हम सभी ने सुने हैं। आप मेरे साथ बोलिए, बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव जी की, हिंगलाज माता की, वीर तेजाजी महाराज की, मल्लीनाथ महाराज की, तनोज माता की, नागणेजी माता की, नाकोड़ा भैरव की, जंगमेश्वर भगवान की, जसोल माता की, विरात्रा माता की, हम इन सभी आराध्यों का जय घोष करके सुख संतोष पाते हैं। लेकिन अब राजस्थान में आतंकवाद समर्थक ऐसे नारे लगने हैं जिसकी किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। आप सोचिए, जहां जहां कांग्रेस आती है वहां आतंकी, दबंग और दंगाई, इनके हौसले क्यों बढ़ते हैं? इसका जवाब है कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस राजस्थान को उस दिशा की तरफ ले जा रही है जहां राजस्थान की संस्कृति ही, राजस्थान की परंपरा ही खतरे में पड़ जाएगी। राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए राजस्थान में भाजपा जरूरी है। है भाजपा जरूरी है, भाजपा जरूरी है, भाजपा जरूरी है।